नैनीताल जिले के उखलकांडा में गर्भवती और नवजात की मौत के मामले में उखलकांडा संघर्ष समिति ने स्वास्थ्य निर्देशक कार्यालय का घेराव किया। समिति ने मामले की जांच की मांग की है। घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में भी रोष देखने को मिल रहा है। उखलकांडा संघर्ष समिति ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। गुरुवार को उखलकांडा संघर्ष समिति के दर्जन भर लोगों ने नैनीताल स्वास्थ्य निर्देशक कार्यालय का घेराव कर गर्भवती और नवजात की मौत के मामले में पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने और मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं समिति के सदस्यों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो उखलकांडा क्षेत्र के लोग कार्यालय में धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने विधायक पर भी क्षेत्र की जनता की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधायक चुनाव के बाद से गाँव से लापता है, ग्रामीणों की सुनने वाला कोई नहीं है। बता दें कि बीते 29 नवंबर को उखलकांडा में गर्भवती दीपा और उसके नवजात की घर में ही प्रसव के दौरान मौत हो गई थी। उत्तराखंड की ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।